अनुपमा की ज़िंदगी में खुशियाँ ज़्यादा दिन तक टिके ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शुरुआत से ही अनुपमा एक एक चीज़ के लिए तरसती रही है, चाहे वो अपने का प्यार हो या फिर अपनी आज़ादी। जब जब उसे कोई चीज़ मिली है तो उसे दूर होते भी देर नहीं लगी। इन दिनों वो अपने बच्चों और नए परिवार के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन माया के दिमाग में अलग ही खुराफात चल रहा है। अनुपमा में अब तक दिखाया जा चुका है कि पारितोष अस्पताल से घर वापस आ चुका है। पारितोष के चलते आए दिन एंजल के बीच बहस होती है और आज के एपिसोड में भी ऐसा ही होने वाला है। एपिसोड के आखिरी में मेकर्स ने एक ऐसा हिंट दिया है कि हर किसी के होश उड़ने वाले हैं। अनुपमा में दिखाया जाएगा कि अनुज अनुपमा से वादा करेगा कि उसे दो परिवार के बीच झूलने की ज़रूरत नहीं है। तभी कपाड़िया हाउस में बाकी एंट्री होगी और वो गिड़गिड़ाते हुए अनुपमा से मदद मांगेगी। ये सब देखकर अनुज कपाड़िया अपना माथा पकड़ लेगा और दूसरी ओर माया की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होगा। दरअसल माया अब धीरे धीरे छोटी अनु को ही नहीं बल्कि अनुज को भी पाने की चाहत में है। बरखा माया के हर मूवमेंट पर नज़र रख रही है और उसे शक भी हो चुका है कि उसके दिमाग में कोई ना कोई फितूर ज़रूर चल रहा है। आज के एपिसोड को OTT प्लेटफॉर्म पर पहले ही देख चुके फैंस सोशल मीडिया पर लगातार अगले ट्विस्ट का अनुमान लगा रहे हैं। ट्विस्ट पर हर कोई कयास लगा रहा है कि कहीं अनुपमा को बर्बाद करने के लिए माया और बा ने हाथ तो नहीं मिला लिया। बता दें कि कुछ दिन पहले ही मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी बात सामने आई थी कि माया ने अपनी हर एक चाल को कामयाब करने के लिए एक शख्स की मदद भी कर रही है। कुछ लोगों का शक पारितोष पर जा रहा है। फिलहाल तो देखना होगा कि मेकर्स अनुपमा के करंट ट्रैक को दिलचस्प बनाने के लिए और क्या क्या करने वाले हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।